अब आपको दोबारा से सरकार ने आपको विश्वास पर टिकट दिया है, आपका नया अगला कदम क्या होगा अगर विजय प्राप्त होती है? सबसे पहले तो मैं बाह क्षेत्र के हमारे परिवार के सब समर्थकों को नमस्कार प्रणाम, फिर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को, चाहे दिल्ली बैठे हों, लखनऊ हों, चाहे आगरा में, आप लोग सबको धन्यवाद कि आपने विश्वास हम में दोबारा जतवा के टिकट हमको दिलवाया। विकास भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा 2017 में था और उस विकास के साथ इस बार जोड़ दिया है कि जनता का विश्वास के साथ रखेंगे। काम का तो कभी अंत होता नहीं है और विकास का भी कभी अंत होता नहीं है। इस बार बहुत कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी द्वारा, चाहे हम लोग के लिए बिजली बा में ऐसे बिजली कभी पहले आई नहीं जैसे इस बार आ रही है, स्वास्थ्य जो शिक्षा के लिए स्कूल में कायाकल्प हुए हैं, जो अस्पताल में कोरोना काल में अपग्रेडेशन हुआ है, डॉक्टर बैठने लगे हैं, दवाई दारू जो हो रहा है, साथ में जो सड़क बनी है पॉन्टून जो बन रहा है बटेश्वर का और केंद्रा में, अगली बार एक स्टेडियम में ज़रूर करवाऊंगी, मुझे लगता है कि स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा माननीय अटल जी जो इसी गांव के रहने वाले थे, मूल रूप से उनका परिवार यहां से था, उनके नाम से मैं कुछ बड़ा चाहती हूं, कन्या विद्यालय उनके नाम से प्रदेश सरकार ने तो दे दिया है, मैं दिल्ली सरकार से मांगूंगी कि या तो हम लोग को सैनिक स्कूल दिया जाए या एक्सफोर्स एकेडमी या ऐसा कुछ बड़ा उनके नाम से, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर आर्मी एयरफोर्स नेवी में हैं। स्टेडियम चाहती हूँ क्योंकि शायद बाहर से ही इतने सारे खिलाड़ी हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, एशियन लेवल पे हैं, भारत को कहीं ना कहीं बाहर भी रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसी कोई चीज़ हम चाहते हैं कि माननीय अटल जी के नाम से हम लोग को इस क्षेत्र में मिले, सिर्फ बटेश्वर को नहीं लेकिन पूरे क्षेत्र को, हम लोग का गर्व और गौरव दोनों अटल जी हैं। थैंक यू सर जी। आपको जनता के लिए क्या संदेश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पत्नी को बनाया है और अटल जी ने ही हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और 96 में और जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।